दर्शकों नमस्कार, मैं डॉक्टर एसपी सिंह एकता हेल्थ केयर खरड़ मोहाली से बोल रहा हूं। आज हम डिस्कस करेंगे लाइपोमा। लाइपोमा क्या है? लाइपोमा है एक फैट का ट्यूमर या एक फैट का लंप या एक फैट की गांठ, जिसको आप बोल सकते हैं। तो ये फैट की गांठें जो है, अक्सर आपने सुना होगा या देखा होगा कि बॉडी के अंदर जो बन जाती हैं और लोग पैनिक हो जाते हैं, लोग समझते हैं पता नहीं क्या हो गया मेरे को, और वो भागते हैं हॉस्पिटल को, जाते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर उनकी बायोप्सी कराओ, ये कराओ, वो कराओ, इसमें चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये लाइपोमा होता क्या है और इसकी पहचान कैसे होती है, और अगर आपको पता चल जाए कि लाइपोमा है तो कोई पैनिक की कोई जरूरत नहीं होती। और ये नॉर्मली बन जाते हैं बॉडी के अंदर, और इनके लिए कोई ज्यादा बहुत मतलब मेडिसिन की जरूरत नहीं होती, और थोड़ा खाना पीना इंप्रूव करना होता है, वो मैं आज उसके बारे में ही बात करूंगा। तो देखिए, लाइपोमा एक हार्मलेस जो है एक फैट की गांठ होती है, वो एक से ज्यादा हो सकती हैं और उनका साइज जो है वो एक से दो इंच तक हो सकता है। और सिम्टम्स में अगर उनके सिम्टम्स देखोगे आप तो उनका यूजली वो पेनलेस होते हैं, उनमें पेन नहीं होती, और वो मल्टीपल होते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं बॉडी के अंदर, और वो अगर आप उनको अगर प्रेस करोगे तो वो अपनी जगह से वो मूव कर जाएगा कि वो कहीं अटैच नहीं होता, और वो बॉडी के अंदर जब बनता है तो वो अलग सी गांठ होती है, और जब उसको प्रेस करोगे आप तो वो अपनी जगह से मूव करेगा, वो मूवेबल लंप्स होते हैं। और पेन वो कब करते हैं? पेन करते हैं जब एक लंप जो है या एक जो लाइपोमा है वो अगर किसी नर्व को प्रेस करेगा, जो हमारे नर्व्स आपको पता है, नर्व्स वो हैं जो करंट सप्लाई करती हैं हमारी बॉडी को और करंट लेके जाती हैं ब्रेन को, तो वो चीज जो है ना, अगर उन पे प्रेस करेगा तो पेन करेगा वो, या अगर वो किसी ब्लड वेसल को प्रेस कर देगा या ब्लड वेसल कोई उसके बीच में से गुजरेगी तो वो पेनफुल होगा। तो ये तो हुए इसके सिम्टम्स। अच्छा, कॉजेज क्या हो सकते हैं? देखो, कॉजेज का आज तक साइंस पता नहीं चला पाई कि लाइपोमा बनता क्यों है, पर मोस्ट प्रॉब्ली जो है लाइपोमा जो बनता है वो बनता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण, कि आप जो खाना खाते हो, फैट खाते हो जो अंदर जाता है, और वो फैट कहीं ना कहीं इकट्ठा होने लगता है और प्रॉपरली कंज्यूम नहीं होता। तो इसलिए मिडिल एज की लेडीज या जो बंदे होते हैं उनके बॉडी के अंदर ये पाया जाता है, लाइपोमास पाए जाते हैं, लेकिन ये कोई हार्मफुल नहीं होते। यहाँ इनमें देखा गया है कि अगर बैड इनहेरिटेंस हो, अगर किसी पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में कहीं लाइपोमास पाए गए हों तो भी ये जो है लाइपोमास बच्चों में आ जाते हैं। तो इसलिए इनको ठीक करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, इनके लिए मेडिसिन होती है। और मेडिसिन मैं तो बार बार वही जो है बोलता हूं कि कोई भी प्रॉब्लम जो है उसका जो सही समाधान है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से ही हो सकता है। अगर आप कहो कि लाइपोमास को आप बायोप्सी करा लो फिर उनको निकाल दो, एक आधा लाइपोमा तो चलो निकाला भी जा सकता है, लेकिन मल्टीपल को कैसे निकालोगे? और दूसरी बात यह है कि अगर एक को छेड़ोगे तो हो सकता है मल्टीपल बन जाए, इसलिए ये जो इसको जो मैकेनिकली ट्रीट करना, सर्जिकल ट्रीट करना बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं होता। अगर किसी के हैं और अगर पेन करते हैं तो फिर उनका जो है सही उनको मेडिसिन सेलेक्ट करके दी जाए तो वो ठीक हो जाएंगे, वो लाइपोमास हैं जो वो श्रिंक कर जाएंगे और पेन जो पेन होती है वो पेन जो है वो उसको रिलीफ किया जा सकता है। तो इसलिए मतलब ये है कि ये इसके बारे में मैंने बताया लाइपोमास, कि लोग मेरे पास कॉल करते हैं और बताते हैं कि आपने लाइपोमा में कोई जो वीडियो नहीं डाली, तो आज मैंने इसीलिए लाइपोमा को ही मैंने आज वो लाइपोमा की मैं वीडियो बना रहा हूँ कि लाइपोमा जो है कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती और इसको बहुत इजी ढंग से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं और पैनिक होने की जरूरत नहीं होती। लोग लाखों रुपया लगा देते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, बायोप्सी करा लेते हैं, कोई सर्जरी करवा लेता है, कुछ करवा लेता है, लेकिन कंडीशन जो है अगर आप इसको छेड़छाड़ करोगे तो कंडीशन बिगड़ेगी, ठीक नहीं होगी। इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।